तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर यानी ATFD को स्टार्ट करते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, यानी कि वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर के बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉइंग किया है। इस ड्रॉइंग की मदद से अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये जो टॉपिक है एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग बहुत ही डिटेल से समझेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा प्लांट है इसका मेन पर्पस क्या है, यानी कि ATFD प्लांट हम लोग क्यों लगाते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है मिक्स करना। जैसे कि हमारा LP या HP डोजिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक एजिटेटर का यूज करते हैं। जब भी हम लोग DM वाटर में केमिकल ऐड करते हैं तो उसको एजिटेट करते हैं, यानी कि केमिकल को अच्छी तरह से वहां पे मिक्सअप करते हैं। तो एजिटेट का मतलब हो गया मिक्स करना। और थिन फिल्म का मतलब होता है कि पतला, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक लेयर बनाएंगे, ठीक है। और ड्रायर का मतलब होता है कि ड्राई करना, यानी कि जो भी हम लोग फिल्म बनाएंगे उसको हम लोग ड्राई आउट करेंगे, यानी कि वो उसके अंदर से जो भी मॉइस्चर है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो देखिए, इस प्लांट के नाम से ही इस प्लांट का पर्पस क्या होगा हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लांट जहां पे किसी एजिटेटर के मदद से हम लोग थिन फिल्म प्रोड्यूस करेंगे और उसको फिर से हम लोग क्या कर देंगे, ड्राई आउट कर देंगे, जिसके चलते उस प्रोडक्ट में जो भी मॉइस्चर होगा वो रिमूव आउट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि इस प्लांट का पर्पस क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में MEE यानी कि मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर के बारे में डिटेल से डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो MEE प्लांट से जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेटेड निकलता है, उसको हम लोग लाते हैं कहां पे, तो इस प्लांट में, यानी कि ATFD प्लांट में, और वहां पे जो भी रिमेनिंग मॉइस्चर है उसको हम लोग रिमूव करेंगे, जिसके चलते उस प्रोडक्ट में रिमेनिंग मॉइस्चर को यहां पे हम लोग ड्राई आउट कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं, जिसके चलते जो हमारा प्रोडक्ट है वो पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि MEE प्लांट से जो हाई कंसंट्रेटेड इंपीडेज है उसको हम लोग लाएंगे ATFD प्लांट में, जहां पे हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग MEE प्लांट में साल्ट वाला जो, यानी कि जो सी वाटर है उसको हम लोग वहां पे इवोपरेट करवाए हैं, जिसके चलते हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाईली कंसंट्रेटेड साल्ट का है। यानी कि अब उस साल्ट को हम लोग को प्रेसिपिट करना है, तो उसको हम लोग ले जाते हैं ATFD प्लांट में, जहां पे हम लोग पानी के अंदर जो भी हाईली कंसंट्रेटेड साल्ट है उसको प्योर साल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि उस हाईली कंसंट्रेटेड में जो भी मॉइस्चर अवेलेबल है, यानी कि जो भी वाटर का कंटामिनेंट है, उसको हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं, इवोपरेट कर देते हैं, जिसके चलते हम लोग को प्योर पाउडर फॉर्म में, यानी कि प्योर हमारा साल्ट यहां पे प्रोडक्शन हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हाईली कंसंट्रेटेड साल्ट को हम लोग प्योर साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा ATFD प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए यहां पे ड्राइंग किया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि ये हमारा प्लांट कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये जो आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये जो आप पहले ब्लू कलर पे फोकस कीजिए, ये क्या होता है, एक हमारा सेल है, यानी कि सिलेंड्रिकल सेल है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या, हमारा एक सिलेंड्रिकल सेल है, और इस सेल के अंदर क्या है, हमारा रोटर लगा हुआ है। ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारा रोटर लगा है, और ये रोटर क्या होता है, हमारा रोटेट करता है। इसको रोटेट करवाने के लिए हम लोग किसी ड्राइविंग पुली का या किसी मोटर की मदद से इसको हम लोग रोटेट करवाते हैं। तो देखिए, यहां से यहां तक क्या है, हमारा रोटर है, और इस रोटर को सपोर्ट करने के लिए देखिए, यहां पे हमारा टॉप में एक बीयरिंग लगा रहता है, एक हमारा बॉटम में बीयरिंग लगा रहता है, यानी कि ये टॉप बीयरिंग हो गया, ये हमारा बॉटम बीयरिंग होगा। इस तरह से हमारा जो रोटर है वो इजीली क्या होगा, इस मतलब ड्राइविंग पुली या मोटर की मदद से बहुत ही इजीली ये क्या होगा, हमारा रोटेट करेगा, ठीक है। और इस रोटर के मतलब रोटर के आउटर में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग इसके ऊपर एक ब्लेड या स्केपर आप बोल सकते हैं, ब्लेड्स लगा देते हैं। इस तरह से हमारा क्या है, ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं।
और ये जैसे रोटेट करेगा, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा सेल है यहां पे देखिए, यहां पे एक पैसेज दिया है, यहां से हम लोग फीड एंटर करवाते हैं। तो यहां से फीड क्या होगा, इसके अंदर आएगा और यहां पे ये क्या हो रहा है, रोटेट करने लग रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे रोटेट करेगा तो ये जो वॉटर है ना, इसके ये जो हमारा सेल है इसके सर्फेस पे एक लेयर बना देता है जिसको हम लोग बोलते हैं थिन लेयर, यानी एक पतला सा लेयर बना देता है। तो यहां पे एक सिंपल वर्ड में हम लोग क्या किए कि इस सेल के अंदर हमारा क्या है, एक रोटर है जिसको हम लोग किसी मोटर से रोटेट करवा रहे हैं, और यहां से हम लोग जो एमईई प्लांट का जो रिजेक्ट है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो निकल रहा है उसको हम लोग यहां पे एंटर करवाते हैं, जिसके चलते ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा रोटर रोटेट करता है तो यह क्या करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट करेगा जिसके चलते पानी इसके कॉन्टेक्ट में आएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा सेल का जो सर्फेस है इनर सर्फेस, उसके ऊपर हमारा जो वॉटर है वो क्या होगा, एक थीन लेयर बना देगा। तो दोनों तरफ हमारा क्या है, वाटर यहां पे थीन लेयर बना देता है। तो इस तरह से एजिटेट कर रहे हैं, इसको रोटेट करवा रहे हैं, यानी एजिटेट किए और हमारा थीन फिल्म बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको ड्राई करना है, यानी कि जो भी हम लोग यहां से फीड भेजे हैं जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का है, यानी कि मान लीजिए इसके अंदर क्या है हमारा 80% कॉन्सेंट्रेशन है, मान लीजिए 80% क्या है इसके अंदर मतलब इम्प्यूरिटीज है यानी कि साल्ट है, और 20% इसके अंदर क्या है हमारा मॉइस्चर अवेलेबल है, और इस मॉइस्चर को हम लोग को इसके अंदर ड्राई आउट करना है। तो ड्राई करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ये जो हमारा सेल है इसके आउटर में यहां पर देखिए एक हमारा जैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और इस जैकेट के अंदर यहां पे हमारा एक पैसेज दिया है जहां से हम लोग स्टीम इनलेट करवाते हैं। तो हमारा एमईई प्लांट में भी क्या कर रहे थे, इवोपरेशन करने के लिए हम लोग स्टीम ट्यूब के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे, और आउटर में हमारा वाटर था। सिमिलरली यहां पे भी क्या है, हमारा जो जैकेट है इसके अंदर स्टीम हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, और इसके आउटर में जो मतलब कि इनसाइड सेल के अंदर क्या है हमारा पानी है। तो इस तरह से यहां पे हमारा हीट हो गया और यहां पे इसका टेम्परेचर क्या है, लो है। तो इस तरह से जो हमारा स्टीम है इसको हीट ट्रांसफर करेगा, यानी स्टीम अपना हीट इस लिक्विड को ट्रांसफर करेगा। तो जो स्टीम है वो क्या होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जो वॉटर है यानी कि जो थिन फिल्म बन गया है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस तरह से जैसे ही यहां पर हीट का एक्सचेंज होता है तो जो स्टीम है वो क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन होगा और ये कंडेंस हो जाएगा। तो देखिए यहां से हमारा कंडेंसेट आउट हो जाता है, यानी कि इधर से हमारा स्टीम इन करेगा और यहां से हमारा कंडेंसेट आउट हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पे क्या होगा कि स्टीम से जैसे ही वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और इंक्रीज होके ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है और फिर से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वेपर है उसका डेंसिटी कम होता है, जिसके चलते वेपर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि पानी हमारा क्या है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और जो भी वेपर होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इन दोनों के क्या है, काउंटर है। पानी से जो हमारा स्टीम है वो काउंटर फ्लो करेगा, और इस तरह से जो हमारा स्टीम है वो इधर मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमारा एक एंटेनमेंट सेपरेटर लगा हुआ है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मोस्ट एलिमिनेटर, यानी कि पानी के अंदर जो भी अगर मॉइस्चर है उसको एलिमिनेट करने के लिए यहां पे हम लोग एक जाली टाइप का बना देते हैं, जिसके चलते जो स्टीम यहां से पास होगा वो केवल क्या करेगा कि केवल स्टीम को ही अलाउ करेगा पास होने के लिए, जो भी मॉइस्चर है उसको यहीं पे ट्रैप कर लेगा, उसको हम लोग मोस्ट एलिमिनेटर या एंटेनमेंट सेपरेटर बोलते हैं। तो इस तरह से यहां पर जो रहेगा वो हमारा प्योर स्टीम रहेगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर लिए कि जो भी वाटर बचेगा, यानी कि जो भी हमारा फीड इनलेट हुआ है उसके अंदर जो भी वाटर है उसको हम लोग इवोपरेट कर दिए। तो इस तरह से ये जो हमारा वाटर है अब क्या होगा, पूरा सूख जाता है, यानी कि पानी यहां से जब उड़ जाएगा मतलब पूरा इवोपरेट हो जाएगा, तो पानी के अंदर जो भी गंदगी है वही बच जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेट है, यानी कि 80 से अब क्या हो जाएगा, यहां पर 100% हमारा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और यहां से हम लोग इस कंसंट्रेट को रिमूव आउट कर लेते हैं। तो यहां से जो भी अगर मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इसका तो हाईली कंसंट्रेटेड साल्ट का, तो यहां पे जो हम लोग को मिलता है वो क्या मिलता है, वो पाउडर फॉर्म में साल्ट मिलता है, यहां से हम लोग साल्ट को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि ये जो हमारा वेपर बना है इसको हम लोग ले जाते हैं दूसरे सेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। तो यहां पर हमारा लगा है कंडेंसर। तो देखिए सरफेस कंडेंसर कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल
के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंडेंसर भी क्या है, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जहां पे हम लोग हीट एक्सचेंज करते हैं, यानी कि इस वेपर को हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए ये भी एक सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। तो देखिए इसके अंदर बहुत सारा ट्यूब्स लगे हुए रहते हैं। इस तरह से इस ट्यूब में हमारा कूलेंट यहां से एंटर होता है और यहां से हमारा आउट हो जाता है। तो ये ट्यूब हमारा ठंडा है, स्टीम जो है वो हॉट है। तो इस तरह से जैसे ही इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पे इनडायरेक्ट मेथड से हीट का एक्सचेंज होता है और ये जो हमारा स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो वाटर मिलता है वो प्योर फॉर्म में रहता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज नहीं रहता है, क्योंकि यहां से जो हमारा वेपर गया है वो प्योर फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से ये जो हमारा वाटर मिलता है वो प्योर रहता है। इसको किसी पंप से हम लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में और इसको हम लोग फर्दर यूज के लिए मतलब कर लेते हैं। इसको हम लोग को यूज करना है अपने डेली पर्पस के लिए या प्लांट के लिए यूज करना है तो इसको हम लोग फर्दर यूज करते हैं। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग यहां पे कंडेंस करेंगे तो यहां पे कुछ नॉन कंडेंसिंग गैस का फॉर्मेशन होगा। तो इसको यहां से रिमूव करने के लिए हम लोग किसी वैक्यूम पंप या इजेक्टर का यूज करते हैं। तो देखिए यहां से हम लोग जैसे पंप चालू करेंगे तो यहां पे जो भी नॉन कंडेंसिंग गैस होगा उसको हम लोग यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑपरेशन जो है बहुत ही सिंपल है कि एक हमारा क्या है, एक सेल है जिसके अंदर हमारा रोटर है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं यहां पे एक थिन फिल्म प्रोड्यूस कर लेते हैं इनसाइड में। और इसको ड्राई करने के लिए हमारे पास एक स्टीम का जैकेट होना चाहिए जिसके अंदर हमारा क्या है स्टीम फ्लो करते रहता है, जिसके चलते ये जो हमारा वाटर है इजिली यहां से ड्राई आउट हो जाता है और ये जो वेपर है इसको हम लोग कंडेंसर में कंडेंस कर देते हैं, जिसके चलते हम लोग को प्योर वाटर यहां से मिल जाता है। और देखिए यहां पे हम लोग एक मैकेनिकल सील प्रोवाइड कर देते हैं जिसके चलते हमारा जो मोटर यहां पे जो लगा रहेगा वहां पे हमारा जो वेपर पर है वो वहां पे ना पहुंच पाए, इसीलिए यहां पे मैकेनिकल सील का प्रोविजन दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर काम करता है। तो यह क्या हो गया, एक तरफ से हीट एक्सचेंजर डिवाइस हो गया, तो यहां पे भी हमारा हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर है, ऐसा नहीं कि केवल हमारा साल्ट को यहां पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं है। इसका जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। इसका हम लोग मतलब केमिकल इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है। यानी केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, जब भी हम लोग को केमिकल से पाउडर को कन्वर्ट करना है, पाउडर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग केमिकल को ड्राई आउट करते रहेंगे तो जो भी हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पूरा पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट हमारा वर्क करता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर प्लांट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।